हाय गाइस, गाइस आज मैं अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग करने वाले एक रिचार्जेबल स्पोर्ट्स मॉडल कार की। और ये कार मिल जाती है दोस्तों एक स्टेयरिंग वाली कार, बहुत ही बड़ा स्टेयरिंग, इसका कार से बड़ा हमारा स्टेयरिंग मिल जाता है, बिल्कुल ये स्टेयरिंग इसके साथ में देखने को मिल जाता है। और उसके दोस्तों फीचर के बारे में बता दूं, आरसी सुपर कार से फिर लिखा मिल जाएगा आपको, इस पर नीचे दिखा हुआ इंस्टॉलिंग के पार्ट्स के दिखाए हुए हैं दोस्तों। और दोस्तों ये एक फरारी कार, और चलिए फटाफट से मैं इसको बॉक्स से निकाल लेता हूँ फटाफट से। और दोस्तों मेरे लिंक से आप इसको बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप दोस्तों ये दो मल्टी कलर में आपको और मिल जाएगी दोस्तों, ग्रीन एंड येलो में भी, और मैंने मंगाया इसका रेड कलर। चलिए फटाफट से मैं इसको बॉक्स से निकालता हूँ, देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या इंक्लूड मिल जाता है। दोस्तों ये आ जाता है अंदर वाला बॉक्स इसका, ये मिल जाती है इसके साथ बैटरी, जो बिल्कुल न्यू कंडीशन में बैटरी मिलती है, पैक बिल्कुल न्यू बैटरी हमें इसके साथ मिल गई, एक रिचार्जेबल कार दोस्तों में मिल जाती है। और उसके साथ एक पिन वाला चार्जर भी इसका मिल जाता है। पिछले फटाफट से मैं इसका रिमोट एंड कार को भी बॉक्स से निकाल लेता हूँ। कार बॉक्स दोस्तों फिट हमें बिल्कुल मिल जाती है प्रॉपरली, काफ़ी अच्छी पैकिंग के साथ हमें दोस्तों मिल जाती है, जैसे मैंने इसको बाई किया अमेज़न से। चलिए फटाफट से मैं इसको निकाल लेता हूँ। गाइस ये आ जाती है हमारी स्पोर्ट्स कार, कार का साइज काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल जाता है दोस्तों। उसका कार का साइज हमें मिल जाता है 18 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई देखने को हमें मिल जाती है। और उसका डिज़ाइन बिल्कुल काफ़ी अमेजिंग तरह से देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा लंबरगिन जैसा मिलता है पर उससे अलग मिल जाता है, थोड़ी मॉडिफाई सी लगती है दोस्तों ये कार। उसके अंदर दोस्तों रबड़ के मिरर मिल जाएंगे, और बहुत ही बेस्ट प्राइस इनके अंदर मैंने इसको दोस्तों बाय कर लिया है, काफी डार्क ब्लैक मिरर देखने को मिला है, मिरर की क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त मिल जाती है इस कार के अंदर में। थोड़ी सी प्लास्टिक दोस्तों इसकी बेकार सी मिल जाती है हमें, जैसे कि देख सकते हैं आप प्लास्टिक इतनी अच्छी नहीं मिलती, पर मिरर वाली प्लास्टिक काफ़ी अमेजिंग मिल जाती है। और सामने का इसका डेंट देख सकते हैं आप, डिजाइन के मामले में दोस्तों काफ़ी जबरदस्त हमें देखने को मिल जाती है। और बैक में लाइट इसके नहीं मिलने वाली, बैक में ऐसी लाइट बना दी है दोस्तों डेमो लाइट। और दोस्तों फ्रंट में इसके अंदर में हेडलाइट मिल जाती है जो ट्रांसपेरेंट मिलती है, ऊपर की बॉडी इसके अंदर दो LED बल्ब हमें देखने को मिल जाते हैं जो हमारे वर्क करने वाले हैं दोस्तों। उसमें एक कैंटीन हमारी कार में देखने को हमें मिल जाता है, विंडो हमें मिल जाती है बिल्कुल क्लोज, देख सकते हैं विंडो इसकी क्लोज है दोस्तों, विंडो आप इसके ऊपर नहीं कर सकते। और इसके अंदर हमें कुछ दिखाई भी नहीं देता, इसके अंदर सीट स्टेयरिंग मिलती है, और टायर्स के बहुत छोटे छोटे मिल जाते हैं। और टायर हमें इसके रबड़ के देखने को मिल जाते हैं, प्लास्टिक में मिलते हैं, टायर पर हमें इसकी रबड़ देखने को मिल जाएगी आप देख सकते हैं 4x4 टायर पर। और दोस्तों इसमें मिल जाते हैं एडजस्ट व्हील, ये हमारी 4 फंक्शन वाली कार में हमें देखने को मिल जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट के अंदर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये पार्ट बिल्कुल स्किप ना करें, आप समझ सकते हैं मतलब ये को होता है जो कुछ पहली बार मंगाते हैं दोस्तों ऐसी कार, तो देख सकते हैं आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं राइट लेफ्ट में। और ये मिल जाता है इसका ऑन ऑफ के लिए एक रेड कलर का स्विच दोस्तों, स्विच बहुत अंदर दे दिया दोस्तों देख सकते हैं, ये मिल जाता है ऑन ऑफ का स्विच, दिया जाता है इसका बैटरी कंपार्टमेंट। चलिए फटाफट से मैं इसके अंदर आपको इंस्टॉलिंग करके दिखाता हूँ बैटरी की, तो फटाफट से देख लेते हैं। तो इसके अंदर डल जाएगी दोस्तों आपकी सेल भी डल जाएंगे अगर आपके पास बैटरी भी दोस्तों, अगर यहाँ आपकी डाउन हो जाती है आप इसको चार्जिंग पर लगा देते हैं तो आप इसको सेल से भी चला सकते हैं, 3 सेल इसके अंदर लग जाएगी। चलिए फटाफट से मैं इसके अंदर हम दोस्तों ये फटाफट से पोलोथीन से इसकी बैटरी निकाल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि रिचार्जेबल बैटरी देखते हैं कि हमें इसकी बैटरी हमें देखने को मिल जाती है। चलिए फटाफट से मैं इसकी 3 बैटरियाँ निकाल लूँगा, 100 mAh की एक बैटरी हमें देखने को मिल जाती है, 3 बैटरी साथ 100 mAh की हमें इसके साथ देखने को मिल जाती है। तो फटाफट से मैं इसके अंदर बैटरी लगा देता हूँ और देखते हैं हमारी ये कार चलती है नहीं, तो देख लेते हैं दोस्तों। इंस्टॉलिंग हमने इसके अंदर कर दी है, चलिए स्विच को कर दे दोस्तों ऑन, तो स्विच को ऑन कर दिया दोस्तों, लाइटिंग गेट देखने में इसके नहीं मिलता। और ये मिल जाता है इसका चार्जिंग ऑन आउटपुट दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर आप इसके चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। पर नीचे की प्लास्टिक भी दोस्तों ठीक ठाक इसकी मिल जाती है, अच्छी नहीं मिलती, ऑफ रोड में इसको बिल्कुल ना चलाएं। और ये आप अपने मोबाइल में चार्जर में लगाएं, अटैच करके उस कार को चार्ज कर सकते हैं। चलिए फटाफट से इसके अंदर दोनों स्टोरिंग कर दिया दोस्तों, कुछ पता नहीं लगता ऑन हो गई या नहीं। तो इसके रिमोट की बात कर लो, रिमोट कार से तो बहुत ही बड़े साइज के अंदर हमारा रिमोट आ जाता है, रिमोट की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग है। रिमोट में एक व्हाइट कलर का एंटीना मिल जाएगा, और कार में एंटीना थोड़ा इन्होंने सिर्फ तार वाला एंटीना दे दिया, इसके अंदर बटन वगैरह मिल जाते हैं, रिमोट ब्लैक कलर का मिल जाता है और रेड कलर के इसके अंदर बटन मिल जाएंगे, पता नहीं लगने वाला दोस्तों फॉरवर्ड बैकवर्ड और राइट लेफ्ट में कौन से बटन करने वाले हैं। चलिए इसके अंदर भी साइड डालते हैं, इस लिखा मिल जाएगा आपको RC, एक हॉर्स की पिक्चर देखने को मिल जाएगा, लाइट इंडिकेट और ये एक मीटर जैसे स्टिकर लगे हुए हैं इस पर। और चलिए फटाफट से मैं इसका ढक्कन को ओपन कर लेता हूं दोस्तों, पीछे भी इसमें भी जल्दी फटाफट से इसके अंदर भी 2 सेल लेंगे। और इसके लिए सेल दोस्तों नो इंक्लूड बॉक्स में, कहीं भी हम इसके इंक्लूड सेल दोस्तों नहीं लिखी हुई मैंने सब फीचर भी, तो दोस्तों सेल आपको अपने पास से लगानी होगी, बस बैटरी दोस्तों इंक्लूड इसके साथ हमें देखने को मिल जाती है। चलिए फटाफट से इसको देखते हैं चलाकर, देखते हैं वर्क करती है नहीं, तो दोस्तों ये वर्क करने लगी है, चलिए देखते हैं एक बार चलाकर दोस्तों। राइट एंड लेफ्ट में दोस्तों इससे आप इसका राइट में चल जाएगी दोस्तों, जो राइट साइड में मिलते हैं उससे दोस्तों लेफ्ट में देख सकते हैं। और दोस्तों जो इधर बटन हमें देखने को मिल जाते हैं तो इसको आप इसको आगे चला सकते हैं, इससे इसको आप बैकवर्ड में एंड फॉरवर्ड में, आप दोस्तों जो ऊपर वाला है इससे आप आगे चला सकते हैं दोस्तों फॉरवर्ड और इससे बैकवर्ड में। और लाइट इंडिकेटर इसमें वर्क कर रहा है दोस्तों, ये मतलब हमारे रिमोट से ही मिल जाता है। और चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ आपके टायर दोस्तों, अगर आप बिल्कुल बिना बटन दबाए भी राइट लेफ्ट में इस कार को चला सकते हैं दोस्तों, टायर देख सकते हैं टर्न कर लेते हैं, तो अगर आप रिमोट को ऐसे भी दोस्तों गोल गोल घुमाते हैं तो ये वर्क करती है। तो चलिए दोस्तों इसकी करते हैं टेस्टिंग, इसको लेकर चलते हैं बाहर चलाने के लिए। Thank you.
चलिए गाइस इस मॉडल आरसी स्टीयरिंग कार की करते हैं रिमोट चेक, कितने मीटर की रेंज हमें इसकी देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं ये चली गई दोस्तों 10 से 15 मीटर रेंज दूर चली गई है। और दोस्तों ये चली जाती है पूरी 20 से 30 मीटर की रेंज हमें इस कार की देखने को मिल जाती है। और देखते हैं वर्क करती है दोस्तों, वर्क कर रही है इतनी दूर रेंज बावजूद भी वर्क करती रहती है दोस्तों हमारी मॉडल का। देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी दूर है दोस्तों, ये आ गई है दोस्तों, पास आ रही है, आ रही है। रेंज के मामले में काफ़ी अमेजिंग हमें देखने को ये मॉडल कार हमारी मिल जाती है।